व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज बाइक इट इज रिजन फ्रॉम जैसे यहाँ से एंड एज मैं स्ट्रीम गुप्ता ब्लॉग्स। तो आज है 2 दिसंबर, तो अभी जा रहे हैं हम लोग जड़ा शंकर, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जड़ा शंकर, बढ़िया मंदिर है, मतलब बहुत फेमस मंदिर है, उसके बाद फिर जाते जाएंगे हम लोग वापस। This is the airport of Khajuraho. So well, अभी गाइस रुके हैं टोल प्लाजा के पास। तो यहाँ से अब आगे से कट गया है, तो वहाँ से फिर जटा शंकर के लिए जाना है, मतलब यहाँ पर कट चुके हैं 60 रुपये। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोड़ी चुलबुली। गाइस ऑलमोस्ट रह गए 3.3 किलोमीटर, अभी आप ये सीन देखिए, मतलब पूरा हम लोग घाट पे जा रहे हैं, मतलब एक तरह से नीचे से पूरा पहाड़ पे जा रहे हैं, क्योंकि जटा शंकर है वो ऊपर पहाड़ पर ही बसा हुआ। कितना नैरो कट है भाई, पूरी शिमला वाली वाइब आ रही है इधर तो यार। चुलबुली करे जो झक जोरी, क्यों ना सूरज की किरण। बस देखो, मतलब 30 किलोमीटर पे चलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ऊपर है ना, ये बिल्कुल नैरो है। आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने दे उनकी। So guys, finally we reached the Jatha Shankar temple. मतलब कितना ऊपर स्लोप पे चढ़ के आए हुए हैं, अब यहाँ से रास्ते गई हुए अंदर के, तो ये कोई रास्ता गई हुई है अंदर के। यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ पर पूरी मार्केट बनी हुई है, इधर पूरी मार्केट बनी हुई है। अच्छा, यहाँ से अपन को नीचे जाके हुए जाना है। ओम नमः शिवाय। यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो चुकी है, पूरा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। सो गाइस, अभी आधे स्टेयर्स उतर कर आ चुके हैं, लेकिन अभी और नीचे है, मतलब समझ लो आई थिंक हम लोग ना जितना पहाड़ पे चढ़ के आए ना, उससे थोड़ा और नीचे है। तो मेन एंट्रेंस ये है जटा शंकर मंदिर का। तो गाइस इसके अंदर से होते हुए जाना है। ये बना हुआ है मंदिर पूरा, लुक एट दिस गाइस, ये बना हुआ है यहाँ का मंदिर। प्योर पानी आ रहा है, प्योर। ये देखो भाई साहब क्या भरा हुआ है टैंक यार, ये क्या है, बाबन गंगा। ओके, ओम नमः शिवाय। शंभू जी बाबा, शंभू जी। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना सूरज। ये लोग कितना साल पुरानी है शिवलिंग? 500-600 साल, 600 ईयर्स। ये सब कोई वो करके बनाया है क्या, काट के? वो यही से काटा है, मतलब जब ये जिनमूर्ति अपने हाथ पे काट हुई है, जोड़ी से शंका जी माता पार्वती के बीच में जय भोलेनाथ जी प्रकट हुई थी। हाँ, ये अगरवाल में जटा, यहाँ पर पहले जटा लिखी है आज के, ये बामन गंगा जी को रोक दो कोड़ो जिसको भी जटा शंकर से निकलते हुए सीधा छतरपुर आ चुके हैं, और हम लोग निकले लगभग वहाँ से कितना 4:20 में निकले थे, 5:45 हो गया लगभग, 1.3 आवर्स हो गए। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मतलब हम लोग छतरपुर से निकल गए थे, तो लगभग कितना 1 घंटा हो गया, क्योंकि बीच में फैमिली मेम्बर के गए थे तो उनके रुक गए थे,
तो अभी हम लोग आए NH 39 होटल पर फॉर डिनर, क्योंकि इसका सीधा झांसी रुकेंगे। बाय द वे यहाँ का वो देखिए कितना प्यारा, लुक एट दिस NH 39 होटल, ये कितना सही बना हुआ है हाईवे पर, मतलब अच्छा कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं, अभी खाना खा चुके हैं, अब सीधे जा रहे हैं अपने घर। बाय द वे ये कुछ ऐसा बना हुआ है NH 39, जो कि अपने न्यू हाईवे का है ना 4 लेन का, वहाँ पर ये 1.5 साल पहले बना है। और ये हाईवे अपना झांसी टू खजरा वाला हाईवे है। वेल मतलब सही प्रॉपर्टी और अच्छे से मेंटेन करा रखा है। इस रास्ते में तो मेरे को मतलब इतना मेंटेन यही वाला लगा है, क्योंकि और है तो वो मतलब है ढाबे टाइप के, बट ये NH 39 रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर है, मतलब हर चीज़ मिलती है, एक तरह से ढाबा टाइप की है। प्राइस रेटिंग भी वैसे ही है। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं, तो अभी मतलब लौट आए हैं बस झांसी, हमारा कितना 2 किलोमीटर और रह गए यहाँ से, तो अभी गैस भी आ रहे हैं। सो वेल गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ बाय टिल सजन, गुड बाय। Da da na.